मैं आपको एक फंडा बताता रहता हूँ ना, अमेरिका में रियल स्टेट का बिजनेस कभी ना करो एंड ऑल दैट स्टफ। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, देता हूँ, लेफ्ट से राइट से ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से कहीं से भी आके एक मगरमच्छ आपको खा सकते हैं और आप खत्म हो जाओगे। ये मेरा फंडा है, आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए रियल स्टेट बिजनेस से दूर रहो। ठीक है, अब आप कहोगे आप पूरी रिसर्च करोगे, दिमाग लगाओगे ये करोगे, पता नहीं क्या क्या करोगे। ठीक है, मैं एग्जांपल दे दूँ, दुबई के अंदर मैंने प्रॉपर्टी लेने की बात की है, तो वहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि भाई मेंटेनेंस चार्जेस क्या है अगर आप फ्लैट लेते हो। आप नोट कर रहे हो, अमेरिका में इस तरह के चार्जेस बहुत सारे पर चलिए जो कि आपको खत्म कर सकते हैं। पहले आपके कैश फ्लो को सारा सक इन कर रहे हैं, पहले तो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, ठीक है, पहले तो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, उसके बाद एचओए फीस अलग हो सकती है, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स अलग हो सकता है। अब मान लीजिए आपने इस तरह के तीन चार चार्जेस पकड़ लिए, पार्किंग फीस अलग हो सकती है, आपको पार्किंग एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे हैं जो रेकरिंग कॉस्ट हैं जो उसमें आप ऐड करना भूल जाओगे। मेकिंग सेंस? तो आप चलो, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने लेफ्ट से राइट से आगे से पीछे उसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ये लोग क्या है कि एक इन्होंने चार, अब एल्ड्रोल्स में इन चारों के अलावा नाम कुछ और रख दिया है, वो रेकरिंग कैश है, वो एचओए की तरह देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट टैक्स की तरह देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए नाम अलग रख दिया। ठीक है, अब आप लोग गूगल करके बताओ, एल्डोराडो हिल्स में एक एक्स्ट्रा चार्ज लगता है लोगों को, अक्सर लगता है, काफी सारे केसेस में लगता है, यही तो पॉइंट है सारा। तो सहारों में लगे, हर सारे देश में लगे तो सब क्लियर हो जाएगा सबको, हर एक ने अपना अपना कुछ नाम रखा हुआ है, कुछ अपने चार्जेस बना रखे हैं, ये मेरा पॉइंट है, और उसका नाम कुछ हो रहा है। और अगर कोई बंदा बोले यार पक्का लगेगा, पक्का भी नहीं लगेगा, कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता, साला वो रूल्स के हैं, सारा स्टडी करना पड़ता है। ये है अमेरिका, अमेरिका में रियल स्टेट तो वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस, वो सारा रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, हमें कोई करके नहीं देगा आपको, आपके यहाँ पे कोई पुराने बरगद की चुड़ैल नहीं बैठी, सारा आप ही को करना है। और इतना मर मर के अगर आपने पैसा कमा भी लिया तो इट्स प्रीटी लाइक गोना बी लेस देन व्हाट यू वुड हैव मेड बाय ड्राइविंग उबर। आप और आपकी वाइफ दोनों जो मैनेज कर रहे हो ना, अगर दोनों उबर चलाएं ना आराम से, तो 100,000 आराम से कमा लोगे। मेरा फंडा है, बड़ा क्लियर मैंने सब जगह बताया, 200,000 आने बड़े आसान है, और वो 200,000 आपको बड़ा एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे देंगे और बढ़िया चल जाएगा आपका। वो भी मैंने बताया कि वो मिडिल मैनर्स होता है, उसमें काम करना पड़ता है, सब बताता रहता है। अब मैं मेन चीज बताता हूँ, उस एल्डर हिल्स की उस रेकरिंग कॉस्ट का नाम है मैलोरूस। गूगल करो, पता नहीं कुछ ऐसा रूल है, पहले 13 साल देनी पड़ती है, तब देनी है, अब देनी है, अब नहीं देनी, ये है, पागल बनाते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। और मैलोरूस खत्म कर 250-300 डॉलर ऐसे अच्छी खासी होती है, तो पॉइंट कई बार 500-600 डॉलर भी है। द पॉइंट इज, आप जितनी मर्जी रिसर्च कर लो, रियल स्टेट एजेंट आपको ऐसा बुद्धू बनाएगा ना, ऐसा फुद्दू बनाएगा, ऐसा बेवकूफ बनाएगा, कुछ हद नहीं। जब खरीदने जाओगे तो आपको चले 400 डॉलर खर्च देता हूँ, ऐसे करके बहुत सारी हिडन कॉस्ट हैं जो आपका दिमाग खराब कर देंगी। ठीक है, तो वही में स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, और एजेंट